हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंदवास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में यूनिट 3 में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभी तक हमने शॉर्ट एनालिसिस इसका देख लिया था, यूनिट 3 में आ जाते हैं। और यूनिट 3 के पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है, पार्ट 2 अपना स्टार्ट हो गया है। और ये जल्द से जल्द अपन ये यूनिट कंप्लीट करते हैं, जल्द से जल्द ये कोर्स कंप्लीट करते हैं, जिससे अपन दूसरे सब्जेक्ट की ओर कूद सकें, ताकि ये सब्जेक्ट एग्ज़ाम आपको कहा जा रहा है कि किसी का कहा है कि नवंबर में है, कोई कह रहा है दिसंबर में है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये नवंबर में शेड्यूल्ड हो जाने चाहिए, नवंबर के लास्ट वीक में। तो हमारे पास जो अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग नवंबर के लास्ट वीक से आपके थर्ड सेमेस्टर के, जी हाँ, थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हो जाने चाहिए और दिसंबर तक ये सारे एग्ज़ाम कम्प्लीट हो जाने चाहिए। तो समय हमारे पास कम है, काम काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अब शुरू कर देते हैं। तो ऑलरेडी अपन ने देख लिया था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में शॉर्ट एनालिसिस, मैंने अच्छे से लास्ट वीडियोस के अंदर आपको समझा दिया था। अब आज अपन बात करने वाले हैं बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में कि बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या होती है। बिजनेस स्ट्रेटजीज बेसिकली वो प्लानिंग होती है या वो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होता है जिससे हम बिजनेस को रन कर रहे होते हैं। अब इसमें तीन तरीके के अपन ने स्ट्रेटजीज देख ली थी ऑलरेडी, फंक्शनल लेवल, ऑपरेशनल लेवल है ना, और कॉर्पोरेट लेवल के अपन ने तीनों के तीनों स्ट्रेटजीज, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी लास्ट टाइम में देख लिया था। अब कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर द कंपनीज टू कैरी द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, इज हेल्प टू रिमेन रिलेवेंट इन द मार्केट, आइडेंटिफाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अब क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं बिजनेस स्ट्रेटजीज के अंदर, देखिए इसको याद करने से जगह अगर आप समझ लोगे तो काफ़ी चीज़ें इजी हो जाएंगी। जैसे प्लानिंग करते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं कि हम हमारे एम के अकॉर्डिंग प्लानिंग करें, हम हमारे गोल के अकॉर्डिंग प्लानिंग करें, हम हमारे बजट के अकॉर्डिंग प्लानिंग करें, वही सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारी जो कोर वैल्यू है कंपनी की, हमको उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है। कोर वैल्यू उसका मतलब कि कंपनी की बेसिकली गोल क्या है, कंपनी बनाना क्या चाहती है और कैसे अपने आप को ग्रोथ करना चाहती है। नेक्स्ट कंपनी का ऑब्जेक्टिव। अब ये वैल्यूज और ऑब्जेक्टिव के अंदर डिफरेंस क्या है, वैल्यूज जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए हो गई, लाइक कि कंपनी वांट टू बी ए ग्लोबल पार्टनर, कंपनी वांट टू बिकम अ ग्लोबल लीडर, तो ये कोर वैल्यूज में आ गया। विद द इथिकल परसेप्शन, तो वो कोर वैल्यूज में आ गया। और ऑब्जेक्टिव क्या है, 5000 टन हमको प्रोडक्शन करना है, 6000 टन प्रोडक्शन करना है, यानी शॉर्ट टर्म में अपन ऑब्जेक्टिव का यूज करेंगे। शॉर्ट एनालिसिस इज जस्ट, प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा था स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। इसके अलावा हमारा जो बिजनेस स्ट्रेटजी हो उसको मेज़र किया जा सके, क्योंकि प्लानिंग को भी मेज़र किया जा सकता है, यानी कि मेज़र का मतलब कि हम आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम हम मेज़र कर सकें कि ये बिजनेस स्ट्रेटजी सही है या नहीं है। थोड़े से नॉइस आ रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, है ना, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, थोड़ा सा समय में सही हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेशनल टैक्टिक्स, ऑपरेशनल टैक्टिक्स का मतलब यहाँ पर उसकी फंक्शनल टैक्टिक्स हैं, फंक्शनल टैक्टिक्स है, मींस कि आपका बिजनेस रन कैसे होगा, माल कहाँ से आएगा, कहाँ पे बेचा जाएगा, टारगेट ऑडियंस क्या होगी, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होगी, प्रोडक्शन कौन सी प्रोसेस से किया जाएगा, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स बिजनेस स्ट्रेटजी बनाते हैं। इन शॉर्ट यदि मैं आपको बोलूँ कि कोई बिजनेस की आपको स्ट्रेटजी डिसाइड करनी है तो आप मुझे उस बिजनेस के A to Z पूरा का पूरा बताएंगे कि ये बिजनेस सर हम ये रॉ मटेरियल यहाँ से बाय करेंगे, इसको प्रोसेस इस पर्टिकुलर मेथड से करेंगे, और ये मेथड से प्रोसेस होने के बाद हमको फिनिश गुड्स ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें हमको इतना वेस्टेज मिलेगा, और इस फिनिश गुड्स को हम कौन सी टारगेट ऑडियंस को सेल कर रहे हैं ये हमको बिजनेस स्ट्रेटजीज बताएगी, ठीक है। और अब ये रॉ मटेरियल प्रोसेस ये केवल एक नॉर्मल काइंड हुआ, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें इंक्लूड हुई, इसके अंदर अदर में आएगा आपका कैपिटल आएगा कि कैपिटल की व्यवस्था कहाँ से करोगे आप, यानी कि इन शॉर्ट अमाउंट की व्यवस्था कहाँ से करोगे, लोन लोगे, शेयर इशू करोगे, कहाँ से करोगे, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, क्या आपके इथिकल परसेप्शन है, कितने टन का आपको प्रोडक्शन करना है, कितने नंबर ऑफ यूनिट का आपको प्रोडक्शन करना है, किस लेवल पे कंपनी को लेके जाना है, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन इन द बिजनेस स्ट्रेटजी। अब इज लाइक अ बेस्ट प्लान, मैं फिर से बोलता हूँ बेस्ट प्लान है, तो प्लान के अंदर हर सारी चीज़ें होंगी। और अगर हमारी कोई बिजनेस स्ट्रेटजी फेल हो जाती है तो प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, प्लान डी क्या है, अगर चारों ही प्लान फेल हो जाते हैं तो समझ लेना कंपनी फेल हो गई। वैसे तो दो प्लान ही कंपनी मैक्सिमम लेके चलती है, थर्ड तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्योंकि अगर आपके दो हिट सही नहीं है तो तीसरा सही हो जाए इसकी काफी कम संभावना रहती है।
यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर पोर्टर साहब ने भी कुछ बिजनेस स्ट्रेटजीज के टाइप्स दिए हैं कि मतलब बिजनेस स्ट्रेटजी कैसी बनाई जाए। इसमें इन्होंने चार टाइप दिए हैं। कॉस्ट लीडरशिप, इसको याद करा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर, ठीक है। सबसे पहला देखिए, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन फोकस और कॉस्ट फोकस। तो कॉस्ट दो बार है, कॉस्ट फोकस, कॉस्ट लीडरशिप, कॉस्ट फोकस, डिफरेंशिएशन लीडरशिप है इसके अंदर पूरा, है ना। तो डिफरेंशिएशन लीडरशिप, डिफरेंशिएशन फोकस। जैसे कॉस्ट लीडरशिप है, इस मैट्रिक्स को समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहला एक एक पॉइंट समझते हैं, कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन लीडरशिप। अब लीडरशिप का मतलब क्या है कि वो फर्स्ट है। अगर मैं कॉस्ट में लीडरशिप की बात कर रहा हूं तो इसका ये बात मान के चलिएगा कि कंपनी किस पे कह रही है कि वो कॉस्ट में मिनिमम हो जाए। किसने अपनाई, आपसे क्वेश्चन आए, बोलना जियो ने अपनाई। कब अपनाई, मार्केट स्टार्ट होने के बाद। आज भी जियो की कोशिश यही रहती है, कॉस्ट लीडरशिप। क्या कह रहा है, हियर द ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स टू बिकम द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर, लोएस्ट कॉस्ट, और इनकी सेलिंग प्राइस भी लोएस्ट रही, कॉस्ट सेलिंग रही। अब कॉस्ट लीडरशिप का मतलब क्या है, यहाँ पे अपन को प्राइस को भी समझना होगा, क्योंकि जब लो कॉस्ट होगी तभी हम लो के अंदर दे पाएंगे प्रोडक्ट को, तो हम लो प्राइस रख पाएंगे। अब यहाँ पर वैसे कॉस्ट का मतलब तो खुद के मैन्युफैक्चरिंग टर्म से लिया जाना चाहिए, लेकिन नॉर्मली जब हम बिजनेस स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं तो इसका मतलब प्राइस से लिया जाता है। याद रखना, प्रैक्टिकल वे के अंदर यहाँ पर लो कॉस्ट या लो प्राइस के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो कॉस्ट का मतलब मेरा, उसके ऊपर मैंने मार्जिन जोड़ा और सेल कर दिया। यहाँ पर लो कॉस्ट का मतलब क्या है कि एक लार्ज स्केल पे अपन को एक प्रोडक्ट बनाना है, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसको हम इतने लेवल पे बनाएं कि उससे हमारी कॉस्ट किसी की भी हमारे बराबर वो मीट नहीं कर सके। आज जैसे कि आप पिडिलाइट एक एडहेसिव की एक बहुत बड़ी कंपनी है ना, उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी क्या भाई, 5 रुपये 10 रुपये का भी अपन को फेविक्विक मिल रहा है, ठीक है। बहुत सारे एडहेसिव आ रहे हैं उसके, बहुत सारे फेविकोल आ रहा है, मतलब एक दर्जन तरह के उन्होंने एडहेसिव निकाल रखे हैं हर प्रोडक्ट के लिए, प्लास्टिक के लिए अलग, मेटल के लिए अलग, कागज के लिए अलग, थर्माकोल के लिए अलग, सब तरीके के लिए निकाल रखे। तो वो क्या कर रही है, क्यों, क्योंकि उनका मास प्रोडक्शन हो रहा है। जब मास प्रोडक्शन हो रहा है तो उनकी कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। और ये कॉस्ट लीडरशिप पोर्टर साहब क्या कह रहे हैं कि कंपनी की एक बिजनेस स्ट्रेटजी इस तरीके से है कि वो कॉस्ट के ऊपर लीडरशिप करे, यानी कि कैसे भी करके वो अपना जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो सबसे कम रखें। सेलिंग प्राइस की उन्होंने बात नहीं करी, लेकिन बिजनेस स्ट्रेटजी में उन्होंने बोला कि आपको कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है हर जगह, यानी कि आपको सैलरी की कम देनी है, आपको रिसर्च डेवलपमेंट पर खर्चा कम करना है, आपको लार्ज वॉल्यूम में प्रोडक्शन करना है, जिससे क्या होगा, आपका कॉस्ट इफेक्टिव आएगा। नेक्स्ट आ जाती है अपन डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी पे। जो हम दे रहे हैं वो कोई नहीं देगा मार्केट में, वो है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। अब डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी पूरे की पूरी इंडस्ट्री के ऊपर लागू है, यानी कॉस्ट लीडरशिप में तो आपने देखा कि एक कंपनी है जो पूरी इंडस्ट्री के अंदर सबसे कम दाम के अंदर वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और उसको बेचेगी भी। यहाँ पर डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी का मतलब यहाँ ऐसा है कि डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी में यहाँ ऐसा बोला गया है कि हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो यूनिक होगा। लाइक एप्पल, यहाँ पर आप एप्पल का नाम ले सकते हो। यहाँ पर आप क्वांटिटी की बात नहीं करोगे, यहाँ पर आप क्वालिटी की बात करोगे। क्वांटिटी की बात नहीं करोगे, आप क्वालिटी की बात करोगे। हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो बेस्ट होगा इन द मार्केट इन द डिफरेंट पैरामीटर्स। मीन्स कि आप उसका आप कैमरा, अब जैसे कि एप्पल की बात करें, आप उसका iOS ले सकते हो, आप उसका कह सकते हो कैमरा क्वालिटी ले सकते हो, एन नंबर्स ऑफ द थिंग्स जो बहुत सी रेयर होगी, केवल एप्पल में मिलेगा। एक तो उसकी शोभाजी, वो तो किसी के पास मिलेगी नहीं। तो एक डिफरेंशिएशन मीन्स कि आप जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हो वो कोई भी दूसरी कंपनी उसके नियर बाय भी नहीं है, तो वो डिफरेंशिएशन। आपकी पोर्टर साहब ने सिंपल सी बात कही कि इनमें से कोई भी आप एक स्ट्रेटजी अपना लोगे तो आपकी कंपनी के ग्रोथ होने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। मीन्स कि उसकी प्रॉफिट होने की संभावना बढ़ रही है। तो यहाँ पर पहला तो उन्होंने बोला कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप में उन्होंने क्या बोला कि कॉस्ट कम कर दो, पूरी इंडस्ट्री में कम कर दो। सेकंड, पूरे मार्केट में कम कर दो। सेकंड, डिफरेंशिएशन लीडरशिप। डिफरेंशिएशन के अंदर उन्होंने क्या बोला कि हमारे डिफरेंट कर दो, ऐसी चीज बनाओ जो किसी के पास न मिले। मतलब जो समोसा एक हमारे बाबू भैया बनाते हैं वो कोई भी नहीं बना पाता, ठीक है, टेस्ट ही ऐसा है। तो अब नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट फोकस। दो स्ट्रेटजी समझ में आ गई है ना। अब थर्ड आ जाते हैं कॉस्ट फोकस। कॉस्ट फोकस के अंदर क्या है, कॉस्ट फोकस के अंदर हम किसी एक पर्टिकुलर मार्केट के अंदर कॉस्ट को कम कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमको उस मार्केट में एंटर होना है,
हमको उस मार्केट में एंटर होना है। अब मान लेते हैं कि हमारे डिफरेंट कंट्रीज में, ब्रिटेन में भी कोई आउटलेट लगे हुए हैं, जर्मनी में भी लगे हुए हैं, इंडिया में भी लगे हुए हैं। अब कोई कंपनी इंडिया के अंदर एंटर होना चाहती है तो उसने लो कॉस्ट की अपनी स्ट्रेटजी अपनाई तो उसको बोलेंगे कॉस्ट फोकस। समझ में आया? यानी कि पूरी के पूरी एंटायर रेंज में हमने कॉस्ट कम नहीं करी, केवल कुछ चुनिंदा जगह पे जहाँ पर आपको सेल को पिच करना था, जहाँ पर आपको वॉल्यूम बढ़ाना था, जहाँ पर आपको आपकी डिमांड को बढ़ाना था, वहाँ पर आपने कॉस्ट फोकस की स्ट्रेटजी अपनाई। अंडर द स्ट्रेटजी फर्म कंसंट्रेट द स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट टू कीप द प्रोडक्ट लो प्राइस इन दो सेगमेंट। आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट लो रखना है। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशिएशन फोकस। डिफरेंशिएशन भी सेम है, जैसे कॉस्ट लीडरशिप था डिफरेंशिएशन लीडरशिप है, वैसे कॉस्ट फोकस है तो डिफरेंशिएशन फोकस है। ये क्या कह रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक मार्केट के अंदर हम डिफरेंशिएशन रखेंगे। लाइक कि मैकडी जो है वो यूजुअली, अगर आप जर्मनी कभी आपको विजिट करने का मौका मिले तो हम वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे वेज बर्गर नहीं मिल रहा। मतलब कि मैकडी में आप गए और वेज बर्गर मांगने के लिए गए तो वहाँ पर वेज बर्गर अवेलेबल नहीं है, और इंडिया में जब मैकडी आई तो वहाँ पर बीफ बर्गर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर वो जर्मनी में बीफ बर्गर ज़्यादा सेल कर रही है, यहाँ पर बीफ बर्गर नहीं, क्योंकि गाय हमारी एक आस्था का विषय है। तो वहाँ पे जर्मनी में तो काफ़ी सेल हो रहा है लेकिन इंडिया के अंदर वेज बर्गर सेल हो रहा है। तो उन्होंने क्या कर रखा है, डिफरेंशिएशन फोकस कर रखा है, जैसा देश वैसा भेज। तो उनको तो प्रॉफिट से मतलब है, सारे बिजनेस को प्रॉफिट से मतलब होता है। उनको जाति धर्म संप्रदाय किसी भी कंपनी से, कोई वहाँ के लोकल राइट से कोई मतलब नहीं होता। आप देखिए, यूक्रेन और रशिया में वॉर स्टार्ट हो गई, ठीक है, थोड़ा सा अब इसमें डिफरेंशिएशन फोकस में एक बात निकल कर आई है ना। बहुत सी कंपनियों ने कहा, अमेरिका की बहुत सी कंपनियों ने कहा, रूस ने वॉर किया तो हम छोड़ के चले जाएंगे, रूस छोड़ के चले जाएंगे और हम हमारी इस्टेब्लिश कर लेंगे कहीं पर इंडस्ट्री। 85% ऑफ कंपनीज आज भी रूस में ही वर्क कर रही है, 85% ऑफ अमेरिकन इंडस्ट्री। आज रूस और रशिया, रूस और अमेरिका सैटेलाइट के ऊपर एक साझा अभियान चलाते हैं, एक अंतरिक्ष में उन्होंने स्टेशन बना रखा है जहाँ पे जॉइंट वेंचर से काम करते हैं, अंतरिक्ष के विज्ञान को समझने के लिए वहाँ जॉइंट वेंचर से काम कर रहे हैं और नीचे ज़मीन पे लड़ रहे हैं। तो वो क्यों? क्योंकि वो बिजनेस है। तो बिजनेस में कोई सगा कुछ भी नहीं होता, बिजनेस में केवल एक होता है, वो होता है प्रॉफिट। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन फोकस क्या सिखा रहा है, वो ये सिखा रहा है कि जैसी कंट्री हो, जैसे टारगेट ऑडियंस हो, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दिया जाए, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकें। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन फोकस हो गया, क्लियर हो गया। कॉस्ट फोकस आपको समझ में आ गया, डिफरेंशिएशन कॉस्ट फोकस किसी पर्टिकुलर एक आप कह सकते हो मार्केट के अंदर, और डिफरेंशिएशन भी एक पर्टिकुलर मार्केट के अंदर। कॉस्ट लीडरशिप यानी कि पूरे एंटायर मार्केट के अंदर, पर्टिकुलर नहीं ले रहे, और डिफरेंशिएशन लीडरशिप में भी पूरा एंटायर मार्केट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए है ना, धीरे धीरे अपन और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कॉर्पोरेट मर्जर एंड एक्विजिशन स्ट्रेटजी। अब कॉर्पोरेट मर्जर और एक्विजिशन क्या होता है, जब हम मर्जर और एक्विजिशन की बात कर रहे होते हैं तो इसको पहले बेसिक फंडामेंटल समझ लीजिए। जब मैं मर्जर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं मर्जर की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है ए प्लस बी मिलके ए बी हो गए, ये याद रखना। और जब मैं एक्विजिशन की बात कर रहा हूँ तो ए प्लस बी मिलके ए ही हुए हैं, यानी ए ने बी को क्या करा है, एक्वायर कर लिया है। ए ने बी को क्या करा है, एक्वायर कर लिया है, और ये बड़ा ए बन चुका है। क्लियर हो गया? मर्जर में जब दो कंपनियां मिलकर एक तीसरी कंपनी बना रही होती हैं जिसमें दोनों की जॉइंट गुडविल का हिस्सेदारी होती है तो वो मर्जर कहलाता है। एक्विजिशन में हमने कोई छोटी कंपनी, उसके शेयर खरीद लिया, उसको टेक ओवर कर लिया, जैसे पतंजलि ने रुचि सोया को खरीदा तो वो एक्विजिशन का एग्जाम्पल है। और वोडाफोन और आइडिया का मिलन, वोडाफोन और आइडिया का मिलन वीआई बनाना मर्जर का एग्जाम्पल है। पतंजलि और रुचि सोया, तो वो पतंजलि के ब्रांड के अंदर ही अब रुचि सोया आ गई। क्लियर हो गया आपको ये बात? तो ये कॉर्पोरेट में जब अपन मर्जर कर रहे होते हैं या एक्विजिशन ले रहे होते हैं तो उसके लिए भी स्ट्रेटजी बनाई जाती है, उसके लिए भी प्लानिंग करी जाती है। लाइक कि सबसे पहले बिजनेस प्लान के ड्राइवर्स कौन कौन से हैं, हमको क्यों करना चाहिए, कितना अमाउंट लगेगा, क्या बेनिफिट आएगा, क्या लॉसेज आएंगे, इसका एस्टिमेशन करना होता है। आइडेंटिफाई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का मतलब कि कितना अमाउंट की जरूरत है और वो कैपिटल हम कहाँ से लाएंगे, वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो गया।
ठीक है, थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज है इसलिए थोड़ा टफ है, लेकिन हम कैपिटल की व्यवस्था जहाँ से करते हैं वो फाइनेंशियल कंस्टेंट आ जाता है। डेवलपिंग ऑफ लिस्ट ऑफ एक्विजिशन कैंडिडेट, यहाँ पर कैंडिडेट का मतलब आपके एचआर से तो है ही और उसके अलावा पूरी की पूरी एसेट से भी है, यानी कि जब हम एक्विजिशन कर रहे होते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों को एक्वायर कर रहे हैं, कौन सी हमारी एसेट्स उसके अंदर आ रही है, उसकी एक लिस्ट बनानी होती है। बिल्डिंग वैल्यूएशन मॉडल, एक वैल्यूएशन, प्रीलिमिनरी वैल्यूएशन की हम ये कंपनी 5,000 करोड़, 500 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 2,000 करोड़, 20 करोड़, 2 लाख में सेल करने वाले हैं, तो ये प्रीलिमिनरी वैल्यूएशन हो गई। नेक्स्ट क्या हो गई आपकी रैंकिंग एक्विजिशन कैंडिडेट, यानी कि रेटिंग या रैंकिंग देना कि ये हमको ज़्यादा जरूरी है, ये हमको कम जरूरी है, या हम डिफरेंट कंपनीज का जब एक्वायर करने जा रहे हैं तो इस कंपनी की नीड हमको पहले, इस कंपनी की नीड हमको बाद में, और रिव्यूइंग और गेनिंग कि मीन्स कि हमको इससे गेन कितना होने वाला है। तो यही सारी की सारी चीज़ें हमको आइडेंटिफाई करनी होती है हमारे कॉरपोरेट मर्जर में। इनको इन शॉर्ट मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा नॉइज़ डिस्टर्बेशन है इसलिए अपना थोड़ा सा वीडियो अगला वाला अभी यहाँ पे मैं ब्रेक करके नेक्स्ट वीडियो थोड़े से टाइम में बनाऊँगा। कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा काम चल रहा है हमारे ऑफिस में, कंप्लीट होते ही फिर नेक्स्ट वीडियो अभी आपके लिए बनाता हूँ। आज ही ये सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट कंप्लीट करनी है मर्जर और एक्विजिशन का। जस्ट थोड़ा सा समझ लीजिए कि हम कभी भी कोई कंपनी खरीदेंगे या उसको हमारे अंदर मर्ज करेंगे तो क्या क्या देखेंगे, हमको कितने फाइनेंस की ज़रूरत होगी, हमको कितना मैन पावर मिल रहा है, उसकी लिस्ट क्या है, उसके बेनिफिट क्या होने वाले हैं, ठीक है, बेनिफिट क्या होने वाले हैं, और हमको कितनी गुडविल का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, गुडविल का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है, और कोई लीगल कंस्ट्रेंट तो है नहीं क्या इसके अंदर, लीगल टर्म्स भी अपन इसके अंदर चेक करते हैं। ये सारी चीज़ें मर्जर और एक्विजिशन के कंपोनेंट्स में चेक करी जाती है। सिंपल है ना, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, ये कंस्ट्रक्शन की वॉइस में पूरी 100% सॉल्व कर दूंगा, थोड़ा सा आधे घंटे का ही और बचा है, खुश रहिए। And thanks for watching my this video. I really appreciate your time. Jai Hind.